खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है। इसके तहत ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 28 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देहरादून आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों को 5-5 लाख से अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष जी का आगमन देहरादून हुआ। निश्चित रूप से संगठन बैठकें हमने तय की थी। आज हमारे सभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, गांव चलो अभियान हो, दीवार लेखन हो, बूथ प्रबंधन के विषय, उन सब विषयों पर कार्यक्रम के संयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट रखी गई। आगामी दिनों 15 मार्च तक के कार्यक्रम का हमने शेड्यूल तय किया है, जिसमें हमारा जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम वो भी उससे जुड़ा हुआ है। और मुझे बता दें कि 5000 से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक दल के अंदर अन्य दलों के लोगों की हुई है। इस सारी रिपोर्टों के साथ साथ आगामी दिनों के अंदर हम कार्य विस्तार की दृष्टि से और जो लाभार्थी संपर्क अभियान है, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमने मुख्यमंत्री जी भी लाभार्थियों से मिलेंगे, मेरा भी स्वयं लाभार्थी जाना हुआ, प्रदेश के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, हमारे सब जिला स्तरीय पदाधिकारी भी, हर एक व्यक्ति को 20 से 25 लाभार्थी मिलेंगे। उनसे संपर्क करते हुए उनके मोबाइल से ही मिस कॉल कराकर वो कार्य की स्थिति मानी जाएगी।